काटा मैसेज आएगा मेरे पे नहीं आया। अच्छी टोर कुल्लू का। हेलो गाइस व्हाट्सएप, कैसे हो सब? आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल निसोरने की ब्लॉग्स में। आज हम आए हैं मनाली, मनाली की हसीन वादियों में, मतलब मनाली से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है। और हमारा जो एम है वो है रोहतांग जाना। रात को हम लोग वहाँ रुके थे, क्या बोलते हैं, जो सुकेत मंडी में गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह जी वाला, एंड वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा मतलब इंतज़ाम था, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह रहना सहना रूम वगैरह हमें मिल गए थे, अवेलेबल हो गए थे। पहले रूम दिया नहीं उन्होंने, बाद में रूम दे दिया। देखिए बादलों में सीन है, आपको हम आगे गाड़ी से दिखाते हैं। ये देखिए पूरा बादलों में थे नहीं हैं, मतलब अभी हम भी हैं और गाड़ी भी है, बादलों में ही है हम तो। चढ़ाई बिल्कुल तीखी स्टार्ट हो गई और स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट कर दिया मैंने, बिल्कुल स्पोर्ट्स मोड पे है। आप तो गाड़ी दिखा सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड उस पे शो कर रहा है। और आपको मैं अपना ये देखिए लेह मनाली बादलों में और ये देखिए दोनों बहुत ही फ्रेश माइंड में हैं लोगों ने, क्योंकि सुबह से इन्होंने कम से कम 5 से 6 कप चाय पी ली है और एकदम फ्रेश तरोताजा महसूस कर रहे हैं। बहुत ठंड है सर, कॉफी के पैकेट। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. पहुंच गए अटल टनल, और अटल टनल का ये एग्जिट गेट था मेरे पीछे, देखिए वहाँ पे ट्रैफिक बहुत है, लोग बहुत खड़े हुए हैं वहाँ पे, इसलिए फिर मैं ज़्यादा देर वहाँ रुका नहीं, थोड़ा सा आगे आके रुके हैं। ये वैली बहुत अच्छी है, ये पूरा जो पहाड़ है ना, इस पूरे पहाड़ को चीर के बनाई गई है। इतनी लंबी टनल थी मेरी, मतलब लाइफ की सबसे मतलब लंबी टनल अभी तक की है। बहुत ही मज़ा आया इस टनल को पार करके, और बहुत ही अच्छी और वेल मेंटेन्ड है, साफ़ है, बहुत ही मज़ा, मतलब यूनिक सी टनल लग रही थी। और ये हमारी नेक्स्ट टाउन है, देखो कितनी गंदी हो गई है। सारे रास्ते बारिश पड़ती रही, मुझे था डाउट कि कहीं वहाँ भी हमें ऐसा ना मिले माहौल, है ना, रोहतांग में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो मस्त मौसम हो रखा है। वाह बहुत अच्छी वैली है ये, मज़ा आ गया। आगे मिलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। झरना देखा हमने, बहुत ही मस्त लग रहा है देखने में झरना। और हम पहले तो निकल गए थे आगे, फिर हमारा विचार बना कि दोबारा आएंगे वापस, तो वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है, उसके बाद पैदल यात्रा चलेगी। वो है झरना, बिल्कुल स्लोमो गिर रहा है।
फ्लो। हमारा मेन टारगेट है उस झरने पर जाना, देखते हैं कोई पैदल रास्ता है। ये सब कह रहे हैं यहाँ पे पुल बन रहा है, मतलब पुल बना हुआ है वहाँ से जाना है, लेकिन पता नहीं। झरना बहुत सुंदर लग रहा है, देखते कितना टाइम समय लगता है। मेरी घड़ी में बज रहे हैं अभी 10:10, स्माइलिंग टाइम। ओके आगे मिलते हैं। ये हमें चलते हुए 10 मिनट हो गए हैं, 10:20 हो गए मेरी घड़ी में, और अभी तक यार झरना दिखना बंद हो गया भाई। झरना दिखना ही बंद, काफी टाइम लग रहा है। अच्छा कितना टाइम लग जाएगा अविनाश से, कितना टाइम लग जाएगा? 2-3 घंटे ठीक है। अच्छा 16 सर 15 मिनट बोले थे, 16 सर बोले 15 मिनट तो मैं ले जाके वापस ले जाके बस जाके मन को मनाने का ऊपर था। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक बहुत मजा आ रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिंग। चलना भी तो चाहिए, तभी तो फेफड़े खुलेंगे राइट। इनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा सर नीचे? सर तो ये छोटे वाले वाटरफॉल पे हम आ गए थे, और इसके ऊपर है वो जो बड़ा वाला वाटरफॉल है जो हम दूर से देख रहे थे। काफ़ी नज़दीक आ गए, और यहाँ आके अविनाश सर हिम्मत हार रहे हैं। क्यों हार रहे हैं? क्योंकि वो जो छोटा सा पुल है ना लकड़ी वाला, कहते हैं वहाँ से मैं गिर जाऊँगा। इतने लोग गए हैं यहाँ से, वो नहीं गिरेंगे, आप कैसे गिर जाएंगे? और ये अंकल जी हमारी मदद करेंगे कि हम वो पुल पार कर जाएं। थैंक यू अंकल जी, पहले तो एडवांस में, बाकी अगर बचे रहे तो आके भी आपको थैंक यू बोलेंगे। बड़ा मजा आ रहा है। पंकज सर थोड़ा यार पानी पीने दो। हर हर महादेव। चलिए फिर पुल पार करते हैं। और अविनाश जी ने ये मतलब डिटरमिनेशन कर लिया है कि वो जाएंगे, मजा आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पुल पार करते समय वीडियो बनाऊंगा। डर भी लग रहा है और मजा भी आ रहा है। उतनी तो मिलती जाए उतनी लगे। पानी इतना ठंडा है कि मुझे यहां तक उसकी ठंडक फील हो रही है। और मोहित सर की बारी है, पारी की आवाज बहुत तेज आ रही होगी, देखो सब चले गए हैं। ओ ये 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 एक बार तो लगता है आपका। हाँ वापस भी आएंगे वो अंकल जी ने हमारी हेल्प की थी, इतने नीचे हो गए हैं। हम पहले मना कर रहे थे, सूरज सर ने बोला जाना है और बहुत मजा आया। थोड़ा ये पहाड़ी के बाद सीधी हो जाएगी, इतना मजा आ रहा है ना सर। और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, देखिए आप लोग दिख रहा है अविनाश सर तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं। आपने 1200 तो सही दिए, बिल्कुल रेडी हूँ सर मैं बिल्कुल चढ़ाई के लिए। तो देखो पंकज सर कहाँ पहुँच गए, और ये जो चढ़ाई है लगभग लगभग 60 डिग्री सर, 60 डिग्री एलिवेशन है। चलो आगे मिलते हैं। ये जो नेचर है ना ये खींच लाई है हमको यहाँ तक, अदरवाइज हिम्मत नहीं थी। पीछे आते आते हमारी हिम्मत टूट गई थी। जो ब्यूटी ऑफ नेचर है वो किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। उफ वापस आते समय पैर स्लिप होंगे। कैसे जा रहे हैं किला फतेह
मोर्चा फतेह ही है, थोड़े से दूर है और बहुत ज़्यादा थक गए यार यहाँ तक आते। नाज़ में फ़ोन कर रहे हैं, मुझे बैठे इधर की साइड मौसम बहुत अच्छा है, चलो देखते हैं क्या मजा आ रहा है यार। जितना हमने चढ़ाई की उसकी सारी थकान एक मिनट में निकल गई। जो पानी की बूंदी के करके मुंह पड़ रही है ना, बड़ा मजा आ रहा है। आ नहीं सकता कितना मजा आ रहा है, आओगे तो पता लगेगा। वाह 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 वाह, बारिश की बूंदे, ऑल सर रिसीविंग सौरभ ने की